नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको होलाष्टक के विषय में बताऊंगा कि होलाष्टक में हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं। दोस्तों, बहुत लोग होंगे जिन्हें शायद होलाष्टक के विषय में नहीं पता होगा कि वो क्या होता है, और बहुत लोगों को शायद पता भी हो जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। दोस्तों, होलिका दहन जो है उससे जो 8 दिन पहले के होते हैं उसमें होलाष्टक लग जाता है। इस बारी 28 तारीख को होलिका दहन है और 29 को खेलने वाली होली है, 29 मार्च को। तो 28 तारीख से पहले के जो ये भी 8 दिन हैं ये होलाष्टक माने जाएंगे। कुछ लोग 21 तारीख से होलाष्टक मान रहे हैं, कुछ लोग 22 से मान रहे हैं। तो आप बेसिकली आज से ही काउंट कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। अक्सर ये माना जाता है, हम इसे जो भक्त प्रहलाद की कथा से भी जोड़ के देखते हैं कि होलिका दहन क्या है, जो हिरण ये जो है जो प्रहलाद के जो फादर थे वो उनके खिलाफ़ थे अपने बेटे के, क्योंकि प्रहलाद विष्णु जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्हें भगवान मानते थे। पर उनके फादर कहते थे कि नहीं, मैं ही भगवान हूँ, कोई विष्णु वगैरह नहीं होता। तो जब वो नहीं माने तो एंड में जो उनकी सिस्टर थी वो आग में लेके प्रहलाद को बैठी थी, जो होलिका दहन माना जाता है कि मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। पर जल वो गई थी, प्रहलाद बच गए थे। अब जब भगवान बचाने वाले हैं तो फिर कितना ही कोई आपको सताए, कोई आपका क्या कुछ बिगाड़ सकता है। पर उस होलिका दहन से जो 8 दिन पहले प्रहलाद को बहुत यातनाएँ दी गई थी, उसको कारावास में रखा गया था, बहुत प्रताड़ित किया गया था। तो वो जो ये क्रूशल डेज होते हैं होलिका दहन से पहले के, ये बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव माने जाते हैं कि कोई भी तरीके का आप शुभ कार्य ना करें। कुछ लोग इसको जो कामदेव की कथा से भी जोड़ते हैं कि जो है शिवजी जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था जब उन्होंने उनकी साधना में विघ्न डाला था, तो पूरी सृष्टि में एक यूं कह लो मायूसी छा गई थी। जब कामदेव खुद जो सेक्स जो लव के दाता है, जब वो ही नहीं होंगे तो शोक ही होगा। तो कुछ लोग उससे भी इसको रिलेट करते हैं, और प्रैक्टिकली भी लोगों ने ये चीज़ महसूस की है, अपनी दिनचर्या में महसूस की है कि अगर वो होलिका दहन और होली से 8 दिन पहले का जो पीरियड है इसमें अगर वो कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, शादी तय करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई नए घर में प्रवेश करते हैं, कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये 8 दिन आप बहुत ही आज से ही मान के चलिए कि आपको किसी भी तरीके के शादी फिक्स करने का काम, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करनी। घर में कोई किसी भी तरीके का आपने खुशियाँ, इस तरीके की नई खुशियाँ की जो हम बात करते हैं, अवॉइड करना है कि हम होली करके ही उन चीज़ों को करें। गृह प्रवेश करना है होली के बाद ही कीजिएगा। आपने नया मकान खरीदना है, घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, होली बाद ही कीजिएगा। आपने कोई शादी फिक्स करनी है, सगाई करनी है, रोका करना है, होली बाद ही कीजिएगा। और कोई घर में आपने बर्थडे पार्टी वगैरह करनी है, बहुत ही सूक्ष्म सा आप कर लीजिए, बट कोई ऐसा सच बहुत सारे लोगों को बुला के कुछ मत आप कीजिए, पर शादी वगैरह तो बिल्कुल ही वर्जित हैं इस टाइम में। तो क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा होता है। होली का दहन वाला दिन हाईली नेगेटिव दिन होगा पैरानॉर्मल एनर्जीज़ के रिलेशन में, अगर हम बोले। हालांकि उस दिन तो हर तरीके की नेगेटिविटी का नाश हो जाता है जब आप जलाते हो। होलिका दहन का मतलब ये है कि हमारे सारे दुख, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारे कष्ट जल जाएं। जो ये 8 दिन होलाष्टक के हैं इसमें पैरानॉर्मल एनर्जीज़, भूत प्रेत बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव टाइम होता है। तो जो भी लोग प्रेत रोगी हैं, जो भी लोगों के जीवन में नेगेटिविटी का संकट है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होगा इस वक्त में। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़े। बहुत जो टोने टोटके कराने वाले लोग होते हैं उनकी जो है टोने टोटके बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम में टोने टोटके और भी ज़्यादा असरदार होते हैं। और होलिका दहन वाले दिन भी और होली खेलने वाले दिन भी नेगेटिविटियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं। जब होली आपकी ख़त्म हो जाएगी, बीत जाएगी,
तब उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती हैं। इस टाइम में दिन भी काफ़ी बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, ऐसा आभास होता है, महसूस होता है। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप सावधानी बरतें होलाष्टक में, ज़्यादा खासकर जो प्रेत रोगी हैं उनके लिए ये सावधानियाँ हैं कि घर से बाहर ज़्यादा देर ना जाएं, देर रात को घर के बाहर ना जाएं, शाम को घर के बाहर जाना अवॉइड करें, और किसी भी तरीके का कोई खाद्य पदार्थ मीठा वगैरह किसी का ना लें, कोई भी चीज़ें एक्सेप्ट ना करें, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना बचाव होगा। और एक बात का और ध्यान रखें कि आपको जो नियम आप कड़ाई से पालन करते आ रहे हो, अगर इस वक्त में परहेज कर लोगे ना तो बहुत बचे रहोगे। लोग व्याकुल हो जाते हैं, नहीं हमने यहाँ घूमने जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, हमने होली बनाने जाना है, हमें होलिका दहन में जाना है। अवॉइड कीजिए, जो होलिका दहन वाला भी सीन है, आपके घर के कोई भी जा रही है लेडीज़ पूजा करने, उन्हें जाने दीजिए। अगर आप प्रेत रोगी हैं या नेगेटिविटी का संकट है, अवॉइड कीजिए जाना। होली वाले दिन भी अवॉइड कीजिएगा उल्टे सीधे लोगों से रंग लगवाना। अपने घर में आप आपस में रंग लगा लो, वो बात अलग है, पर बाहर जाके यहाँ मैंने होली खेलनी है, वहाँ खेलनी है, अवॉइड कीजिएगा। सबसे ज़्यादा गंदे टोटके होली वाले दिन होते हैं, होलिका दहन वाले दिन होते हैं, होलाष्टक में होते हैं, क्योंकि जो गंदे लोग हैं आपके, जो दुश्मन हैं, वो बाज आने वाले नहीं हैं, वो कुत्ते की दुम की तरह वैसे ही रहेंगे टेढ़े के टेढ़े। आप कितना ही उन्हें समझा लो, कितना ही मना लो, कितना ही उनसे आप प्यार से बात कर लो, जब किसी के मन में आपके प्रति बुरी भावना है तो वो रहेगी ही, और वो अपने कर्म फल अपना खराब करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। उसकी सज़ा जब वो भुगतेंगे अपने आप अच्छी भुगतेंगे, पर यह है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो यही है कि होलाष्टक के वक्त में एक तो किसी भी तरीके के नए कार्यक्रम ना करें, अवॉइड कीजिए कोई भी शादी वगैरह, ज़मीन खरीद बेच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, नई गाड़ी खरीदना, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और सबसे ज़्यादा क्रूशल चीज़ क्या है कि होलाष्टक में ये 8 दिन, होलिका दहन वाला दिन और होली वाला दिन, ये आप बहुत आसानी से ढंग से काट सकते हो बिना नेगेटिविटी का ज़्यादा प्रभाव अपने ऊपर पड़े। कैसे? अगर आप इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करो, विष्णु जी की पूजा आप कर सकते हो, क्योंकि मेन जो जो पूरी कथा है वो वहीं से प्रेरित है, और उसी कारण से पूरी भूमिका विष्णु भगवान ने पूरी जो है चालू करी। नरसिंह जी की आप प्रार्थना कर सकते हो, एंड में आप उनको पता है आपको प्रहलाद को जब बचाया था तो नरसिंह का रूप लिया था खम्भे में से निकल के, और जो राजा था, जो फादर थे उनके, उसका पूरा पेट फाड़ दिया था अपने, तो क्योंकि उसने ये वर लिया हुआ था कि ना आदमी हो पूरा ना कोई जानवर हो पूरा, तो इसीलिए नरसिंह का रूप लिया था, ना आकाश में मार सके ना धरती पे मार सके, तो जंगा पे रख के मारा। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जो भगवान ने अपना रूप दिखाया है कि इस रूप से ही रक्षा हो रही है, तो नरसिंह भगवान का आप उनकी उपासना कर सकते हो। गणेश जी विघ्नहर्ता, कष्ट को काटने वाले, उनकी आप उपासना कर सकते हो। शिव जी की कर सकते हो उपासना, क्योंकि कामदेव से भी हम जोड़ के इसको कथा को हम रिलेट करते हैं होलाष्टक को। और श्री कृष्ण जी जो विष्णु जी का ही दूसरा रूप है, उनकी आप उपासना कर सकते हो। माँ दुर्गा की भी आप उपासना कर सकते हो। तो ये जो 8 दिन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें भगवान का पाठ करो। सूतक, क्योंकि लगे हुए भी बहुत लोग मानते हैं, तो श्री सूतक का पाठ आप कर सकते हो। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जितने ज़्यादा आप इस टाइम में भगवान का पूजा पाठ करो, उनका नाम लो, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। और मैं तो लोगों को ये भी कहता हूँ कि अगर आप भगवान को नहीं भी मानते ना, या कम भी मानते हो ना, तो भी एटलीस्ट इन दिनों में, होलाष्टक में, होलिका दहन पे और होली तक में, अपने आप को थोड़ा रिलीजियस कर लो, भगवान की कथाएं पढ़ लो, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, मतलब जितना ज़्यादा आप इसमें पूजा पाठ कर सकते हो इस वक्त में, उत्तम है, उसका कोई तुलना ही नहीं है। और जितना ज़्यादा दान कर सकते हो इस वक्त में, उससे उत्तम कोई नहीं है। फ्रूट्स दान कर दो, मिठाइयाँ दान कर दो गरीबों में, मंदिर में दे आओ, किसी और धार्मिक स्थल पे दे आओ, जानवरों को भोजन खिला दो। मतलब ये जो क्रूशल पीरियड्स होते हैं, कभी कभी आते हैं, साल में कुछ एक आध बारी ही आते हैं, हर बारी नहीं आते, अगले साल ही फिर ये दोबारा मौका मिलेगा आपको। पर ये जो टाइम है ना,
इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो इसका इस सत्कर्म का जो फल होता है वो 10 गुना हो जाता है। यही मंत्र जाप आप रोज़ कर रहे हो, पर जो इस वक्त में कर रहे हो उसकी गूंज और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपस की गॉसिपिंग वगैरह, लड़ाई झगड़ा छोड़ के, अरे वो क्या कर रही थी, वो क्या कह रहा था, उसने मेरे बारे में क्या क्या, चलो उसका वो ख़राब करते हैं, दुनिया भर के झंझटों में, उलझनों में लगने की बजाय, दूसरों के चक्करों में पड़ने की बजाय, इस वक्त में मैक्सिमम पूजा पाठ कीजिए ताकि ईश्वर की कृपा आप पे मिले, मैक्सिमम दान कीजिए और अपने आप को ज़्यादा घुमक्कड़ बना के इधर उधर मत डोलिए कि चलो जी घूमने चलते हैं। होलाष्टक में कभी भी बाहर घूमने नहीं जाते कि हम जा रहे हैं जी, आएंगे 4 दिन बाद, आएंगे 8 दिन बाद, घर में ही रहिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को धार्मिक और सात्विक बना के रखिए। और उसके अलावा होलाष्टक में होलिका दहन पे और होली वाले दिन तक आप कोई भी मीट मांस अंडा मछली शराब का सेवन नहीं करेंगे। घर में जो भी लोग मीट मांस खाते हैं उनको भी ये बात समझा दो, नहीं तो ये वीडियो दिखा दो कि एटलीस्ट अपने घर के भलाई के लिए, अपनी तरक्की के लिए मत खाइए। ये जो पीरियड है 8 दिन का होलाष्टक का जो लग रहा है, और होलिका दहन और होली खेलने वाली, नेगेटिव एनर्जियाँ बहुत हाई प्रबल होती हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनकी पावर का, क्योंकि कुदरत ने उनको ये वक्त दिए होते हैं। तो एटलीस्ट अपने भले के लिए, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका मीट मांस अंडा आप नहीं खाओगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, आप खुद बताओ। आप अंडा नहीं खा रहे, आप मीट नहीं खा रहे, आप शराब नहीं पी रहे, आप मछली नहीं खा रहे, मेरे को क्या बेनिफिट होगा उसका? मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट आपको होगा। आप सिर्फ ये 8 दिन जो बहुत ही मीट के बगैर नहीं रह सकते, अंडे के बगैर नहीं रह सकते, शराब और मछली के बगैर नहीं रह सकते, ये 8 दिन और होलाष्टक के और होलिका दहन और होली तक मत खाओ, बस ये करके दिखा दो। आपको अगर ना फायदा मिले तो आप कह देना, सिर्फ 10 दिन की बात है, 10 दिन तो छोड़ सकते हो, 10 दिन छोड़ के दिखा दो और आपको ना बेनिफिट मिले तो आप कमेंट में गालियाँ लिख देना, कह देना कि भाई हमें बेनिफिट नहीं मिला। करके देखो एक बार, ये मेरी बात मान लो, घर में कोई भी बंदा जो बहुत मीट खाता है, बहुत अंडा खाता है, नहीं रह सकता, बस ये 8-9 दिन अवॉइड कर लो प्लीज़। आपको बहुत कमाल के बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये पीरियड जितना ज़्यादा आप सात्विक रहो, जितना पूजा पाठ करो, आपको दुगने तिगने पॉजिटिव रिजल्ट ही दे के जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत व्याधि से परेशान हैं, लोग आपको सता रहे हैं, काम नहीं बन रहे, घर में कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड या रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमारी बहुत सी धुनियाँ हैं हमारी, और एक बारी आप जलाना शुरू कीजिए, घर में काम भी बनेंगे, दुख भी दूर होंगे, शादी भी हो जाएगी, कलेश भी दूर होगा, टोने टोटके नज़र हाय कितने ही कोई कर ले सब दूर हो जाएंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता। सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो महीने बर्बाद बेअसर हो जाए, ये कभी भी ख़राब नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम। इसे मंगाइए, पहनिए, पूरे परिवार को पहनाइए, हमेशा बचाव होगा। नज़र दोष टोक हाए टोटके करने वाले तो दूर दूर भागेंगे तुमसे। आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करके मंगा सकते हैं, यहाँ मेरी टीम होती है जो आपको गाइड करेगी। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अगेन उसके चार्जेस आपको पे करने होंगे, वो मेरी टीम आपको बता देगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।